तो हम बात करेंगे आज पिवट टेबल, और पिवट टेबल के जरिए हम एक डैशबोर्ड आपके सामने बनाएंगे, ठीक है? यस सर। एक रिपोर्ट हम आपके सामने बनाएंगे, रिपोर्ट। तो एक बार डेटा समझते हैं, डेटा क्या है। बेसिकली मेरा डेटा है सेल्स का डेटा है, कि किस आईडी से किस डेट को, सेल्स आईडी क्या है, किस डेट में किस पर्सन को किस सिटी में, उस सिटी के किस एरिया में कौन सा कोर्स, कितनी क्वांटिटी, कितनी एमआरपी, कितने अमाउंट पे और कितने जीएसटी के साथ बेचा गया, टोटल क्या है, और सेलिंग मंथ क्या है, ठीक है? यस सर। सेलिंग मंथ क्या है, एरिया क्या है। अब चलिए इस पे एक सेल्स रिपोर्ट, छोटा सा सेल्स रिपोर्ट हम तैयार करते हैं। राइट सर, तो हमने कल की क्लास में आपके साथ पिवट टेबल पढ़ा था, और पिवट टेबल में ही हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुझे रिपोर्ट में चाहिए कि किस पर्सन ने किस कोर्स को, किस पर्सन ने कौन से कोर्स कितनी क्वांटिटी में बेची है, राइट? यस यस तो यहाँ इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल, पिवट टेबल, और यहाँ पे एग्जिस्टिंग शीट पे आते हैं, और कौन सा, रिपोर्ट के अंदर हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं एंड क्रिएट। किया वैलिड डेस्टिनेशन, ओके, राइट। रोज यस में हम यहाँ नेम ऐड कर रहे हैं, कॉलम्स में हम यहाँ पे कोर्स ऐड कर रहे हैं, और वैल्यूज में हम यहाँ पे अपनी क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, ठीक है? और ये यस जो पूजा के इतने सारे हैं, मैं सारे पूजा यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, और इसको राइट क्लिक कर हम क्रिएट ग्रुप कर देते हैं। और सेम उसी तरह से राकेश भी है, तो राजेश, राजेश को यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक क्रिएट ग्रुप, ठीक है? बाद बाकी ठीक है। फिर यहाँ से नेम दो हो गया, ग्रुप नेम हो गया और नेम हो गया, तो ग्रुप नेम रहने देते हैं और नेम को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, राइट सर? यस आ गया। अब इसकी ऊपर हेडिंग होनी चाहिए थी, सम ऑफ क्वांटिटी लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे हमें सेल्स बाय कोर्स 2021, ठीक है? मैम यहाँ पे हम देते काउंट, राइट सर? इसको सेलेक्ट सर। करके इसकी जो साइज है, टेक्स्ट की साइज है, वो मैं यहां से इसको बढ़ा देता हूं, और ये यहां पे हम सेलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं। नहीं, पिवट टेबल में मर्ज नहीं होगा, पिवट टेबल राइट क्लिक करके एक इंसर्ट रो अभव, ये चीज हम ऊपर लिख देते हैं क्या? और इसकी साइज यहां से हम बढ़ा देते हैं, ठीक है? यस और इसकी फॉर्मेटिंग और अच्छा से करनी है तो और अच्छा से कर सकते हैं। इसमें हम इसकी जो बॉर्डर है वो बॉर्डर यहां से हम ऑल बॉर्डर कर देते हैं, इसको हम अलाइनमेंट जो है सेंट्रल कर देते हैं, राइट? और इसकी थोड़ा सा कॉलम बहुत बड़ा है, तो हम कॉलम, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करते हैं ताकि ऑटो फिट हो जाए, ये
बड़ा हो गया है क्योंकि इस ऊपर हेडिंग नजर आ रहा था, इसको हम छोटा कर देते हैं। अब मुझे यहाँ पे अगला जो चाहिए, हमें मंथ वाइज सेल्स का कंपेयरिंग चाहिए, किस मंथ में कितना सेल हुआ है। तो वापस हम इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल एग्जीक्यूशन वर्कशीट, और यहाँ रिपोर्ट में हम ये यहाँ इस पे क्लिक करके क्रिएट कर देते हैं। इस पे क्लिक करके इस पे क्लिक कीजिए। अब इसमें मुझे चाहिए रो में मंथ, और उसके बाद मुझे कॉलम में नहीं चाहिए, वैल्यू में चाहिए यहाँ क्वांटिटी, राइट। यहाँ पे शॉर्ट ऑर्डर असेंडिंग है, असेंडिंग या डिसेंडिंग कर सकते हैं, कुछ और अपने हिसाब से शॉर्ट नहीं कर सकते। अल्फाबेटिक आता है, मुझे इस पे अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन चाहिए। शो डिटेल पे क्लिक करूंगा तब पूरी इसकी डेटा दिख जाती है एक अलग शीट में, दिख रहा है आपको? जी सर। जैसे एक्सेल में डबल क्लिक करने पे दिखता है, यहाँ पे आपको लेकिन शो डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। तो मैं पिवट तैयार कर लिया, क्योंकि गूगल शीट के पिवट में और कुछ खास ज्यादा है नहीं, एक्सेल में अच्छा खासा इसका रोल है बट इसमें ज्यादा नहीं, राइट। अब इसी पे इंसर्ट हम चार्ट करते हैं। चार्ट में देखिए ये आपका पिवट से लिंक चार्ट बन गया। अब यहाँ सबसे पहले तो ये टाइटल आपका है, टाइटल में जो ये पीएस लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मंथली सेल्स कंपेयर, स्पेलिंग मिस्टेक चेंज हो सकता है। उसके बाद ये जो चार्ट की जो स्टाइल है, यहाँ से सेटअप में वापस आते हैं, लाइन चार्ट नहीं चाहिए हमें, इसमें कॉलम चार्ट चाहिए। देखिए अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि आपका ग्रांड टोटल भी चार्ट की कंपेयरिंग में आ रहा है ना सर? यस सर, आ रहा है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो यहाँ टोटल जो है ऐसा नहीं होना चाहिए था। पिवट चार्ट में ऐसा नहीं होता है कि आपका टोटल भी उसके साथ कंसीडर हो जाता, बट आपका गूगल शीट में ये चीजें नहीं है कि वो टोटल को कंसीडर ना करे, क्योंकि इसमें एक्चुअली पिवट चार्ट नाम का कोई सिस्टम है ही नहीं, सिर्फ पिवट टेबल है, पिवट चार्ट नहीं। लेकिन हम चार्ट पिवट से लिंक करते हैं तो आ जाता है। अब यहाँ एक चीज और भी आता है कि क्या हम इसकी जो ये है इसमें हम क्या टोटल ही हटा सकते हैं, क्योंकि हम पिवट टेबल में टोटल हटा सकते थे, एक्सेल में हटा सकते थे, बट यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है जहां से हम इसके अंदर का जो टोटल है वो टोटल को अनहाइड कर सके, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम चार्ट को वापस डिलीट करते हैं और डेटा को हम खुद सिलेक्ट करते हैं, इसमें हम टोटल सिलेक्ट नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे हम चार्ट इंसर्ट करते हैं। अब देखिए नहीं आया टोटल, नहीं आया। अब मैं इसको यहां से कंपेयर चार्ट के लिए, ये आपका चार्ट कंपेयर करते हैं, ठीक है। और इसकी कस्टमाइज में जाके आप चार्ट स्टाइल वगैरह अपने हिसाब से ले सकते हो कि भाई बैकग्राउंड में कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड में मैं हल्का सा ग्रे कलर चाहता हूँ, ठीक है ना, और बाकी जो फॉर्मेटिंग वगैरह चालना करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और इसको उठाइए और जहां इसको रखना चाहते हो, मूव करना चाहते हो, वहां इसको मूव कर सकते हैं। मैं इसको यहां पे मूव करना चाह रहा था, और सम भी ये जो आ रहा था, और इसकी जो टाइटल है इस पे क्लिक करते हैं तो टाइटल आ जाता है। टाइटल में यहाँ पे मंथली रिपोर्ट 2021,
ओके सर। यस। उसके बाद मुझे एक और यहाँ पे चाहिए कि मैं यहाँ कोर्स बाय शेयर दिखाना चाहता हूँ, किस कोर्स का कितना शेयर है। तो वापस हम इंसर्ट पिवट टेबल पे आते हैं और रजिस्ट्री वर्कशीट में आते हैं, यहाँ क्लिक करते रिपोर्ट में आते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पे लगाना है, ध्यान रखिएगा मल्टीपल पिवट टेबल जब आप लगाते हो तो इसका ध्यान रखिए एक पिवट क्लियर हो जाए देन दूसरा पिवट आप लगाए। Yes. अब यहाँ पर रो में मैं रखता हूँ कोर्स और यहाँ वैल्यूज में हम रखते हैं क्वांटिटी, राइट। अब इसमें भी मुझे सेम जो है ग्रांड टोटल को सिलेक्ट नहीं करना है और यहाँ हम चार्ट पे आते हैं। अब इसकी जो चार्ट है मुझे पाई चार्ट चाहिए क्योंकि मुझे शेयरिंग दिखाना है, मुझे कंट्रीब्यूशन दिखाना है। तो इसको लेते हैं और यहाँ पे रखेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, मुझे इसके कई इसमें कई चीजें दिखानी है ना इसलिए। पीछे का जो डेटा है उसको मैं हाइड yes. हाइड कर देंगे। वापस मुझे सेम कोर्स वाइज हो गया, मुझे सेम एरिया वाइज दिखाना है तो हम यहाँ इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल और यहाँ एग्जिस्टिंग शीट में वापस आते हैं और हम वापस इसी के बगल में यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एंड क्रिएट। यहाँ हमने रोज में सिलेक्ट कर लिया हमने एरिया और यहाँ पे वैल्यूज में हमने ले लिया क्वांटिटी। उसके बाद इंसर्ट हम यहाँ पे चार्ट, और चार्ट में ऑलरेडी पाई चार्ट आया हुआ ही है, आप यहाँ पे और कोई चार्ट करना चाहे तो कर सकते। इसको हम यहाँ से छोटा करते हैं। अच्छा इसमें ग्रांड टोटल सिलेक्ट हो गया, हमें इसको एडिट यहाँ पे चार्ट पे जाके ग्रांड टोटल हटाना पड़ेगा। चार्ट एरिया कहाँ तक है, 424 तक है ना, 23 करना है यहाँ से, ठीक है। अब इसको वापस एक आते हैं, इसको छोटा करेंगे पहले सेम साइज, और इसकी जो हेडिंग आपको दिख रही है हेडिंग सम ऑफ क्वांटिटी जो हेडिंग दिख रहा है इस पे हेडिंग में क्लिक करते हैं, तो मुझे इसकी हेडिंग नहीं चाहिए तो मैंने इसको हटा दिया। अच्छा चाहिए तो रख लीजिए, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दिख रहा है ना तो रखने की जरूरत ही नहीं। अब मुझे यहाँ पे कुछ चीजें करनी होगी, जैसे कि यहाँ पे हमें देना है टोटल सेल्स, टोटल क्वांटिटी, उसके बाद टोटल क्वांटिटी इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं हम, इसकी बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं पिंक ए, और इसकी टेक्स्ट कलर दे देते हैं व्हाइट, और इसको बोल्ड कर देते हैं, इसकी साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। और सेम यहाँ पे इसकी कलर और इसकी टेक्स्ट कलर व्हाइट, साइज जो है हम यहाँ पे देते हैं। और मुझे इसमें टोटल क्वांटिटी चाहिए कि टोटल क्वांटिटी कितना हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि हम सब चीज पिवट से ही करें, हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा के क्वांटिटी को ले लेते हैं, ठीक है। क्लियर है सर? यस। तो इसको मर्ज, अब इस पे क्या करते हैं हम, इस पे हम इंसर्ट करते हैं चार्ट, बोले एक नंबर पे क्या चार्ट इंसर्ट करेंगे, तो याद होगा हमने
यहाँ पे चार्ट टाइप में हमने एक ये मीटर वाला चार्ट गज चार्ट पकड़ा था ना, यस गज चार्ट आ गया। अब यहाँ पे आता है आपका सेटअप का गज चार्ट आ गया, लेवल और क्वांटिटी एड वैल्यू टोटल सिटी नहीं, ये आपका ये दिखा रहा है। इसके कस्टमाइज में हम आते हैं चार्ट स्टाइल गज, गज में मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है ना। तो मिनिमम मेरा ये है आपका जीरो है और मैक्सिमम जो है हम कर देते हैं 50,000, सैकड़ा हजार, 10,000, 50,000 आ गया। और इसमें जो मिनिमम रेंज है एक से लेके 10,000 तक हमारा मिनिमम रेंज है, उसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं 10, यहाँ पे 10,000 से 10,100 थोड़ा सा गैप रहेगा, से हम यहाँ कर देते हैं 25,000 रेंज है। और तीसरा हम यहाँ पे चौथा भी ऐड कर सकते हैं लेकिन तीन ही रखते हैं, तीसरा हमें 25 छोड़ देते हैं, 30,000 से हम 60,000 कर देते हैं, राइट सर? यस, लग गया। इसको यहाँ से हम छोटा करते हैं और इसको इसको उठा के हमें यहां रखते हैं। बोलेंगे सर पीछे के एरिया तो छुप गया जी, पीछे के एरिया छुप गया, तो हम इसकी जो एडिट जाते हैं एडिट चार्ट में, और इसकी जो कस्टमाइज में हमारा चार्ट स्टाइल जो बैकग्राउंड कलर है उसको नन कर देते हैं, ठीक है सर? यस, ठीक गया। और सेम उसी तरह से मुझे टोटल क्वांटिटी है तो हम इसी को कॉपी करते हैं एक बार, और टोटल क्वांटिटी के जगह पे हम यहाँ पे टोटल अमाउंट करेंगे, अमाउंट और यहाँ पे सम फॉर्मूले के अंदर में इक्वल सम ओपन और वैल्यू डेटा में जाएंगे और हम यहाँ इसकी टोटल को सिलेक्ट करेंगे, और ठीक है। और इसमें इसको उठा के आने रखेंगे, हम इसको उठा के रख देते हैं साइड, अब ये दिख नहीं रहा है सही, नहीं सही, इसको थोड़ा सा हम मर्ज कर देते हैं, दिखेगा अच्छा सर। इन दोनों को सेलेक्ट करके इंसर्ट चार्ट और वही हम गज चार्ट निकालते हैं। इसका भी हम सेटअप पे आते हैं स्टाइल गज, गज में जीरो जो है जीरो से लेके हम इसमें हम कर देते हैं 10,000,000 10,000,000 नहीं, और यहाँ पे अपना लीजिए जीरो से
है। यस सर। और इसकी राइट क्लिक करके एडिट चार्ट, और इसकी जो हमारा कस्टमाइज है, कस्टमाइज में चार्ट स्टाइल में और बैकग्राउंड कलर को नो कलर कर देते हैं ताकि पीछे का एरिया दिखता रहे। और यहाँ पे इसको हम रख देते हैं। ओके यस सर। ठीक है सर। और उसके बाद इस पे एक चार्ट और हम बनाएंगे डेट के हिसाब से। इंसर्ट यहाँ पिवट टेबल एग्जिस्टिंग, और हम जाते हैं रिपोर्ट, और इसी पे हम यहाँ पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करते हैं एंड ओके क्रिएट। इसमें रो में हमारा आता है डेट और वैल्यू में क्वांटिटी। ठीक है। और यहां हम फिल्टर में अपना मंथ दे देते हैं। स्विंग आइटम यहां से देते जाएंगे क्लियर यहां पे अप्रैल। ओके। और सेम मैं इसको सेलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक इंसर्ट चार्ट और लाइन चार्ट। इस पर हम लाइन चार्ट रखेंगे, लाइन चार्ट एरिया चार्ट भी रख सकते हैं। तो उठा के फिर ऊपर ले चलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे लाइन चार्ट की जगह पे हम एरिया चार्ट रखेंगे तो बेटर रहेगा। कस्टमाइज में यहाँ पे सीरीज, सीरीज की जो कलर है रेड कर दें, लाइन डॉट रहेगा। ठीक है। ओके सर। यस सर। अब इसमें और भी चीजें की जा सकती है, और जो जहां जहां फालतू के डेट्स आ रहे हैं उसको सेलेक्ट कीजिए और उसकी बैकग्राउंड को व्हाइट कर दीजिए और टेक्स्ट कलर भी व्हाइट कर दीजिए। क्या यस yes. दिखेगा ही नहीं। ठीक है सर। हालांकि इसको अलग सीट पे रखते फिर डेट बनाते तो बेटर रहता, लेकिन क्या है कि हम दोनों को मिक्स भी कर सकते, खामा खा सीट नया क्यों ले। ओके जी सर। अब एक रिपोर्ट हमारा फाइनल हो गया। हो गया सर। अब इसकी आप इसको शेयर कर दे जिसको शेयर करना है, या डाउनलोड कर ले इसको अपने एक्सेल सीट में या कुछ और में। राइट यस। अब देखते हैं कि एक्सेल शीट पे खुलने के बाद वो सेम दिखता है या डिफरेंट डिफरेंट दिखता है, क्या हो जाता है, कुछ चेंजिंग तो नहीं होती। ठीक है। यस सेम सेम दिख रहा है। यस चार्ट का कुछ ज्यादा खास नहीं है। ठीक है। फॉर्मेटिंग भी गायब हो गई है, कुछ चीजें यहां से रिमूव हो गई है। जी जी। चलिए तो मिलते हैं कल जी क्लास में। जी। ओके बाय। ओके सर।